हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं उनके बारे में मैं अवगत कराने आया हूं, और कब तक ये जारी हो सकती हैं ये भी इन्फॉर्मेशन मैं देने आया हूं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा और अनुमान के आधार पर हम बताएंगे। दोस्तों, हरियाणा में इन भर्तियों के पेंडिंग है रिजल्ट। सबसे पहले एडवर्टाइज नंबर 7/2015, 7/2015 एडवर्टाइजमेंट है जो फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। यह है सोशल शिक्षा विभाग ऑफिसर इंस्पेक्टर फूड सप्लाई, फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर के दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है रिटर्न में, लेकिन अभी तक फाइनल जो रिटर्न एग्ज़ाम का जो रिजल्ट जारी नहीं किया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी, स्टेशन सुपरवाइज़र, मंडी सुपरवाइज़र, ऑक्शन रिकॉर्डर, अकाउंट टेंट MC, सब इंस्पेक्टर फूड सप्लाई जो पहले पोस्ट निकली थी, डॉक्यूमेंट पेंडिंग है इसके। तो दोस्तों, ये पोस्ट जो 7/2015 की रिगार्डिंग है, ये दोस्तों ये पोस्ट एग्ज़ाम तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है इसका। दोस्तों, रिजल्ट और भी लेट हो सकता है, हो सकता है अगले जो विधानसभा इलेक्शन होगी उसके बाद में ही जारी हो, ये अनुमान है दोस्तों, सटीक जानकारी नहीं है। एडवर्टाइज नंबर 11/2015, 11/2015 के फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है। एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सीज इंस्पेक्टर, क्लर्क, राज्य सैनिक बोर्ड, जूनियर इंजीनियर, जूनियर कोच तैराकी। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन के बाद बताया जा रहा है कि जूनियर कोच तैराकी और जूनियर इंजीनियर इनके दोस्तों अच्छी प्रकार से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों, एडवर्टाइज नंबर 12/2015, डिप्टी रेंजर इंटरव्यू नोटिस आना है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का इंटरव्यू नोटिस आना है। स्टेनो स्टेनो 2, 3, 5, 6, 8 एंड टेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी आगे की प्रोसेस बाकी है। इनका दोस्तों भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये देखिएगा, आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि एडवर्टाइज नंबर 9/2015 इंग्लिश के स्पेशल जो पोस्ट निकली थी TGT की, वो आपको पता है कि कोर्ट केस सीज चल रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आना अभी लग बाकी है। स्पेशल नज़र TGT इंग्लिश पर गई हुई है, सभी टीचर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी। फिर एडवर्टाइज नंबर 6/2016, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फील्ड इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर पर जल्द से जल्द भर्ती हो जाएगी आफ्टर इलेक्शन, लेकिन एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर और फील्ड इंस्पेक्टर कुछ सुस्त प्रक्रिया चल रही है। 6/2017 में PGT होम साइंस DV आना है, PGT पॉलिटिकल साइंस DV आना है। ये दोस्तों जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, और जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। फिर दोस्तों, उड्डा JEE सिविल, उड्डा JEE सिविल DV आना, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आना। ये दोस्तों कुछ इसकी अलग ही प्रोसेस है, मैं बता दूं कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने हैं इनका, लेकिन दोस्तों इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। फिर है दोस्तों, लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट दोस्तों हाल ही में इस पर कानूनी केस था, कोर्ट में जा गई हुई थी वैकेंसी। एडवर्टाइज नंबर 11/2017, इसकी भी दोस्तों फाइनल लिस्ट, तबदा प्लेयर की भी फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, और इसकी भी फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइज नंबर 7/2015 में 8 पोस्ट हैं, 11/2015 में 5, एडवर्टाइज नंबर 12/2015 में 3, और 9/2015 में 2, और 6/2016 में 3, और 6/2017 में 2, 7/2017 में 2, और 11/2017 में 4। इन वैकेंसियों को कंप्लीट कराने के लिए आप ज़रूर जो है SSC बोर्ड से मिलें और जानकारी लें कब तक रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों, वर्तमान में आपको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसमें कुछ दिक्कत है, लेकिन इलेक्शनों के बाद में इन भर्तियों का रिजल्ट जरूर से जरूर और जल्द से जल्द जारी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है, ज़रूर पसंद आई होगी, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नई जानकारी होगी सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।